था। एंड मैम आई थिंक हम लोग को फिर स्टार्ट करना है उसका। मैम उसको थोड़ा सा और बड़े तो क्या बोलते हैं, और इंफॉर्मेटिव वे में पढ़ना है मैम। शायद कुछ कुछ किंगडम्स को, किंगडम्स को। हाँ मतलब आज मैं मोरेरा से पढ़ाऊंगी आप लोगों को। मैम क्लासिफिकेशन तक अच्छे से कंप्लीट हो गया था। ठीक है आप लोग 5 मिनट आप लोग थोड़ा रिवीजन कर लो, मैं आती हूँ ना 5 मिनट में। ओके मैम। अभी तो दुकान सब ओके सभी ने ज्वाइन कर लिया। दीपक लास्ट क्लास में हमारे साथ दो स्टूडेंट्स और थे ना। हेलो आवाज आ रही है? हाँ मैम वो दोनों भी है। मैम एक नहीं है। हाँ कोई नहीं है शायद, कोई नहीं। ओके तो लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? मैम कैरोलस लिनियस ने। हाँ
कैडलेसलेनेस में थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ओरलेस हैकल हैकल है ना. देन थ्री किंगडम में क्या क्या इंक्लूड किया था. प्लांटे एनिमेलिया एंड प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा को किया था ठीक है. फोर्थ किंगडम में किसको इंक्लूड किया था. यस मैम. फोर्थ किंगडम में किसे इंक्लूड किया था. फंगाई. मोनेरा. नहीं फंगाई. फंगाई किसने बोला. किसने बोला फंगाई. मैम हम फंगाई नहीं था. नहीं संजय तो सबसे लास्ट में आया ना. यस मैम. मोनेरा को ऐड किया गया था. मोनेरा को किया था. देन फिफ्थ किंगडम में संजय को किया था ठीक है. और सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था. सिक्स्थ किंगडम क्लासिफिकेशन कार्बोज ने दिया था ठीक है. इसमें क्या किया था. हम एक डोमेन ऐड किया था यूकेरिया. तीन डोमेन सिस्टम बनाए थे जिसमें क्या किया था बैक्टीरिया को दो अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था है ना. आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. और तीसरा डोमेन क्या था यूकेरिया ठीक है. यूकेरिया में कौन कौन से ग्रुप थे. प्रोटिस्टा फंगी प्लांटे एंड एनिमेलिया ठीक है. तो ये जो क्लासिफिकेशन दिया गया था ये मैं लास्ट क्लास में आपको बताना भूल गई थी कि ये किस बेसिस पे दिया गया था. जो डोमेन उन्होंने किया था कंपोजिशन के बेसिस पे. हाँ वो तो ठीक है. वॉल के कंपोजिशन के बेसिस पे किया गया था. वो तो बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट किया गया था ठीक है. लेकिन जो ये तीनों ग्रुप किए गए थे आर्किबैक्टीरिया यू बैक्टीरिया यू कैरिया इनको आरआरएनए के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया था ठीक है. आरआरएनए के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया गया था. आरएनए में क्या होता है न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगे है ना. ए यू सी जी इस तरीके से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं. इन सबसे मिलकर ही आरएनए बनता है ठीक है. तो इन्हीं सीक्वेंसेस में कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट आते हैं तो उनके बेसिस पे उनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया ठीक है. स्पेशली उसमें से कौन से थे 16S आरआरएनए था. तो ये कभी आ सकता है आपके एग्जाम में कि किस बेसिस पे डिफरेंशिएशन किया गया था ठीक है. देन आज हम मोनेरा को पढ़ते हैं. मोनेरा वाले ग्रुप में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं. बैक्टीरिया. बैक्टीरिया होते हैं ना. बैक्टीरिया आर द सोल ऑर्गेनिजम्स ठीक है. सिर्फ बैक्टीरिया ही होते हैं. कैसे होते हैं मोनेरा. प्रोकैरियोटिक होते हैं यूकैरियोटिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक होते हैं. यूनिसेलुलर होते हैं मल्टीसेलुलर. यूनिसेलुलर होते हैं ठीक है. यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक. और प्रोटिस्टा कैसे होते हैं. प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं ना. ये दोनों चीजें आपको हमेशा याद रखनी है कि मोनेरा जो होता है वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होता है. प्रोटिस्टा जो होता है वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है ठीक है. देन इस किंगडम में मेनली किंगडम मोनेरा इंक्लूड बैक्टीरिया ठीक है. बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं लाइक ब्लू ग्रीन एल्गे होता है ठीक है. माइकोप्लाज्मा. माइकोप्लाज्मा क्या होते हैं. स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म. हाँ क्या खासियत होती है माइकोप्लाज्मा की. माइकोप्लाज्मा बहुत ज्यादा इन्फेक्टिव होते हैं ठीक है. ये बहुत जल्दी डिजीज कॉज कर सकते हैं एंड इनसे जो भी डिजीज कॉज होगी उसे क्योर करना भी बहुत मुश्किल होगा. क्यों. क्योंकि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है ठीक है. तो प्लाज्मा
लैक सेल वॉल. जब भी हम कोई ड्रग ड्रग को टारगेट करते हैं, किसी भी डिजीज को जब टारगेट किया जाता है, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर डालता है ड्रग का जो होता है, ड्रग को किस बेसिस पे टारगेट करेंगे हम डिजीज को, जो भी बैक्टीरिया होगा या जो भी वायरुलेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसके सेल वॉल के बेसिस पे, उसका सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसी डिजाइन का हम ड्रग को बनाते हैं, है ना, ताकि वो वहां पे जाके इजीली बाइंड कर सके. की एंड चेन, लॉक एंड की सिस्टम आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा आपने, लॉक एंड की सिस्टम, है ना, उसके उस बेसिस पे क्या करते हैं हम डिजीज को टारगेट करते हैं, ठीक है, अपनी दवाइयां जो होती है, हमारे ड्रग्स होते हैं, उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो उसके सेल वॉल को जाके अच्छे से मतलब उसका वो कर सके, ठीक है, सेल वॉल को जाके टारगेट कर सके एंड उसको फिर वो किल करता है. बट क्या होता है, माइकोप्लाज्मा के पास तो सेल वॉल होता ही नहीं है, इसलिए इसे टारगेट करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है. देन बैक्टीरिया कैसे होते हैं, बैक्टीरिया आर द मोस्ट प्रिमिटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब क्या हुआ, हम सबसे पुराने, ठीक है, सबसे पहले जब अर्थ की ओरिजिन हुई तो सबसे पहले बैक्टीरिया ही आए. इनका हैबिटेट कैसा होता है, कहाँ कहाँ मिलेंगे हमें बैक्टीरिया मैम? एवरीवेयर, लाइक डेजर्ट, स्नो, ओशियंस. हाँ, एवरीवेयर मिलेंगे, सॉइल, एयर, वाटर, हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है. और आर्की बैक्टीरिया ऐसे होते थे जो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में भी पाए जाते हैं, है ना, ओशंस में, डेजर्ट्स में, हर जगह, ठीक है. हॉट ओशंस में भी मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा ठंडी जगह पे भी मिल जाते हैं. तो कौन से होते हैं, आर्की बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है. साइज कितना होता है बैक्टीरिया का, साइज इसका वेरी करता है 2 से 5 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर सोचो कितना स्मॉल होता है, माइक्रोमीटर का मतलब 10⁻⁶ मीटर, है ना, माइक्रो है तो 10⁻⁶ में जाएगा, ठीक है. और जो माइक्रोप्लाज्मा है आपका, माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा बैक्टीरिया है, ये कितने साइज का होगा, ये होता है 0.3 माइक्रोमीटर, ठीक है. देन शेप ऑफ बैक्टीरिया को करते हैं, कौन कौन से शेप के होते हैं बैक्टीरिया मैम? रॉड, कॉमा शेप, देन स्पाइरल शेप, राउंड शेप आल्सो. राउंड शेप को बोलते हैं हम कॉकस, ठीक है, कॉकस का मतलब राउंड शेप, इस तरीके से. इसी को जब हम प्लूरल बोलते हैं तो उसे बोलते हैं कोकाई, ठीक है, जब प्लूरल में आपको बोलना हो तो कोकाई बोलेंगे, जब सिंगुलर होगा तो उसे कॉकस बोलेंगे, ठीक है. जब ये दो होते हैं तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, तब इनका नाम हो जाता है डिप्लोकोकाई, ठीक है. जब इस तरीके से चार होंगे तो इन्हें बोला जाता है टेट्राड, ठीक है. इस तरीके से ये ग्रुप बना लेंगे, अगर अलग अलग ग्रुप में रहें मतलब ढेर सारे चेन लाइक फॉर्मेशन हो जाएगा तो उन्हें बोलते हैं स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है. तो बस इनको आपका आपको इनका स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि किस शेप के बैक्टीरिया को हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है. सिंगल है कॉकस, दो हो गए डिप्लोकोकाई, चार हो गए तो टेट्राड, चेन में हो गए तो स्ट्रिप्टोकोकस. देन इस तरीके से अगर बंच फॉर्मेशन कर लेते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं स्टिफाइलोकोकस, ठीक है. और ये टेट्राड है, अगर ये टेट्राड इस तरीके से क्यूब शेप में हो, ठीक है, इस तरीके का होगा, तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, सार्सिना, ठीक है. ये अलग अलग नाम है उनमें नंबर एंड शेप के अकॉर्डिंग, ठीक है. तो
आप इसके अभी वैसे तो इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे बाद में, बट अभी के लिए आप कॉमन एग्जाम्पल याद कर सकते हो. कॉकस शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं लाइक स्ट्रिप्टोकॉकस निमोनिया, क्या कॉज करते हैं ये? नाम से ही समझ में आ रहा है, निमोनिया है तो निमोनिया कॉज करने के, है ना. तो मेनली जो ये बैक्टीरिया होते हैं, जो भी कॉकस फैमिली का जो बैक्टीरिया है, वो मेनली कोल्ड, फ्लू, निमोनिया ये सब ही कॉज करेगा, ठीक है. सर्दी खांसी ये सब कौन करेंगे? कॉकस ग्रुप वाले बैक्टीरिया. कॉकस ग्रुप बैक्टीरिया का एक और होता है कि इनके अंदर फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है. जब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि फ्लैजेला क्या होता है. फ्लैजेला क्या करता है आपको पता है? फॉर मूवमेंट इट इज यूज्ड. हाँ, फ्लैजेला जो होता है वो बैक्टीरिया को मूव कराने में हेल्प करता है, ठीक है, मूवमेंट में हेल्प करता है. तो जो कॉकस शेप के बैक्टीरिया होते हैं उनके पास फ्लैजेला नहीं होता है, ठीक है. सेकेंड शेप हमारे हैं बैसिलाई. बैसिलाई कैसे होते हैं? ये रॉड शेप के होते हैं इस तरीके से, रॉड शेप में अरेंज होंगे. इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? बैसिलस एंथ्रेसिस. जो एंथ्रेक्स कॉज करता था ना, कैटल में जो एंथ्रेक्स कॉज करते हैं वो यही बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस. कुछ बैसिलस ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, ठीक है. इन्हें क्या क्या कहेंगे फिर? इन्हें फ्लैजेलेट रॉड्स बोलते हैं. इसका एग्जांपल हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी, ठीक है. आप नाम से ही समझ रहे होंगे कि ये टाइफॉइड कॉज करेंगे, है ना. कुछ बैसिलस ऐसे होते हैं जो स्पोर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, अपने अंदर क्या करेंगे? स्पोर्स बनाकर रख लेंगे इस तरीके से. इसका एग्जांपल हो जाएगा क्लॉस्ट्रिडियम. ये सारे एग्जांपल्स जो आप डिजीज वाला चैप्टर पढ़ते हैं, आई थिंक वो ट्वेल्थ में है, आपको तब ये सारे एग्जांपल याद रखने, ठीक है. क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनम जो कि फूड पॉइजनिंग कॉज करता है. कैसे होंगे? इस तरीके से स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होंगे. एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल इसका स्पाइरोकेट्स. स्पाइरोकेट्स क्या करते हैं? ये मेनली ह्यूमन के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. आपने देखा भी होगा इन्हें, हमारे जो दांत होते हैं ना, दांत के अंदर जब आप सुबह में उठोगे तो देखोगे कुछ वाइट वाइट सा होता है दांत में, ठीक है. तो वो जब उनको अगर आप देखोगे ना लैब के अंदर, जब उनकी स्क्रीनिंग करके देखोगे कि वो एक्चुअली है क्या, तो उनमें यही बैक्टीरिया पाए जाते हैं. इस तरीके से रॉड शेप के होते हैं, ठीक है. ये क्या करेंगे? धीरे धीरे ना ये कैविटी बनाते जाते हैं दांत में. अगर आपने दांतों की क्लीनिंग नहीं की तो वो क्या होंगे? वो धीरे धीरे जमते जाएंगे और फिर वो बहुत ही ज्यादा कैविटीज बनाते जाएंगे. और धीरे धीरे ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से देख लो एक नट की शेप में है, ठीक है. तो ये धीरे धीरे ना ड्रिल करते जाते हैं आपके मसूड़ों को, धीरे धीरे ड्रिल करते जाएंगे और उनके अंदर कैविटीज बनाते जाएंगे. तो क्या होता है कि जब आप बहुत दिन तक दांतों की सफाई नहीं कराते हो, आपके दांत खराब होने लगते हैं, तो अंदर कैविटीज बन जाती है ना, वो इनकी वजह से ही होता है, ठीक है. यानी विब्रियो. विब्रियो कैसे होते हैं? कॉमा शेप के होते हैं. कॉमा शेप कैसा होगा? जिस तरीके से होता है कॉमा शेप, ठीक है. इनके ऊपर फ्लैजेला भी हो सकता है ना, फ्लैजेला हो भी सकता है नहीं भी. तो ये कौन से हो जाएंगे एग्जाम्पल? विब्रियो, विब्रियो
कॉलेरा, ठीक है, जो क्या कॉज करेगा, कॉलेरा, ठीक है, विब्रियो कॉलेरा इज एग्जांपल। तो यहाँ से आपके कैसे क्वेश्चन आएंगे, पहला तो हो जाएगा कि जिनमें फ्लैजेला नहीं है वो कौन सा ग्रुप हो गया, कॉकस, ठीक है। मैम बैसिलस, बैसिलस में भी कोई कोई नहीं होता ना, क्या नहीं होता, तो आपने बोला था कि बैसिलस में कुछ में फ्लैजेला फ्लैजेला होता है, किसी में नहीं होता। हाँ बट ओवरऑल ग्रुप की बात करें ना, तो मतलब उनके अंदर प्रेजेंट है, बट कॉकस में आपको ऐसे एक भी बैक्टीरिया नहीं दिखेंगे जिनके अंदर फ्लैजेला होगा, ठीक है। ओके मैम, अब हम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस तरीके से होते हैं। बैक्टीरिया जो होते हैं इनका जो सबसे ऊपर का लेयर होगा ना, क्या होगी सबसे ऊपर में बैक्टीरिया की, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल से भी ऊपर कुछ होगा। कैसे बैक्टीरिया सरवाइव करेंगे इतने एडवर्स कंडीशन में, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हम तो नहीं सरवाइव कर पाएंगे ना, एकदम हॉट वेदर हो जाएगा, एकदम कोल्ड हो जाता है, तो हम तो नहीं सरवाइव कर पाते, दूसरे ऑर्गेनिजम्स तो नहीं कर पाते हैं, बैक्टीरिया कैसे सरवाइव कर लेते हैं, क्या होता है इनके पास, ग्लाइकोकैलिक्स, हाँ कैप्सूल होता है ना, कैप्सूल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, उसे ही हम ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है, देन इसके नीचे आपकी सेल वॉल आ जाएगी, सेकेंड लेयर हमारी क्या हो जाएगी, सेल वॉल की, देन उसके बाद क्या आएगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन आएगी, सेल मेम्ब्रेन सारे ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, यस मैम, और सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, सेल वॉल एनिमल में नहीं होता, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस तरीके की तीन लेयर्स आपको अलग अलग दिख जाएंगे, है ना, सबसे पहला क्या होगा ग्लाइकोकैलिक्स, सेकेंड इज सेल वॉल एंड थर्ड इज सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब बैक्टीरिया का न्यूक्लियस कैसा होगा, सेल लाइक न्यूक्लियस लाइक न्यूक्लाइड होता है, उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है, कैसा होता है इनका, इनके क्रोमैटिन किस तरीके से अरेंज होते हैं, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस तो होता नहीं है, वो फ्री मूविंग होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, है ना। ये डीएनए होते हैं, कैसा होता है, ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है, आपको इनके फ्री एंड्स नहीं दिखेंगे, ये जैसे ये आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से, तो ये कैसे हो जाएंगे, सर्कुलर हो जाएंगे, ठीक है, जिस तरीके से हम यूकैरियोट्स में देखते हैं तो क्या होता है, इस तरीके से लीनियर डीएनए होता है ना, इनके एंड्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है, 5-3 इस तरीके से एंड होते हैं, वो फ्री एंड होते हैं, बट इनके अंदर क्या होता है, ये सर्कुलर डीएनए होते हैं, ठीक है, और इनके डीएनए के बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है, तो इन्हें बोलते हैं न्यूक्लियॉइड, या फिर इसे जीनोफोर भी बोला जाता है, ठीक है, नाम है जीनोफोर। देन इनके अंदर राइबोसोम्स कैसा होगा, 70S टाइप, 70S टाइप, राइबोसोम्स हो जाएंगे 70S टाइप, ठीक है। अच्छा इनकी वॉल पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम,
ये स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बैक्टीरिया को किसी दूसरे मेम्ब्रेन से, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म या दूसरे सरफेस से अटैच करने में हमें हेल्प करते हैं. क्या बोलते हैं मैंने? हम पाइलस नहीं, इन्हें फिम्ब्रिया बोला जाता है. ठीक है, जो छोटे होते हैं जो उनको दूसरे सरफेस से अटैच करने में हेल्प करेंगे, ठीक है, उन्हें हम फिम्ब्रिया बोलते हैं. और जो थोड़े बड़े होते हैं, बड़े होंगे, ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होगा इनका, ठीक है, फिम्ब्रिया से बड़े होंगे और ये फिम्ब्रिया से कम होंगे. ठीक है, जैसे इनका नंबर ज्यादा है फिम्ब्रिया का पूरे बॉडी में, पाइलस का नंबर भी कम होता है. ठीक है, ये पिलाई होती है. ये क्या करते हैं? पिलाई का क्या काम होता है? अटैचमेंट के लिए. हाँ, जब बैक्टीरिया में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बहुत ही रेयर होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे पिलाई हेल्प करते हैं, है ना. देन और क्या होता है, और क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? इस तरीके से जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, इनकी अंदर की ओर इस तरीके से फोल्डिंग हो जाती है. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं, देखो, जो बैक्टीरिया होते हैं इनके पास कोई भी सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड से मतलब क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल से क्या समझते हो? बोलो, क्या मतलब होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का? अच्छा, यूकेरियोट्स में कौन कौन से सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल ऑर्गेनेल होते हैं? यूकेरियोट्स में लाइक साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, देन नहीं, मैं सेल ऑर्गेनेल का पूछ रही हूँ. साइटोप्लाज्म तो यस मैम फ्लूइड और सब्सटेंस होता है ना मैम. लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम वैक्यूल होता है, ठीक है, और सेंट्रोमियर, हाँ सेंट्रोमियर होता है, ठीक है. हम ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट हाँ प्लांट्स में होता है, वो प्लास्टिड्स के टाइप में, ठीक है, प्लास्टिड्स. सेंट्रोमियर होता है. आपने इम्पोर्टेंट चीजें तो बताई नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गॉल्जी बॉडी होती है, लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम होते हैं, गॉल्जी एपरेटस. हाँ, गॉल्जी एपरेटस या गॉल्जी बॉडी सेम ही है ना. तो ये सारे क्या होते हैं हमारे, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है. ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या हुआ कि इनके पास एक मेम्ब्रेन होती है जिससे ये बाकी जो सेल में सब्सटेंसेस है उनसे डिफरेंशिएट हो सके. ठीक है, आप जैसे एक सेल के अंदर आप बता पाओगे कि हाँ ये वाला पार्ट जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये वाला पार्ट जो है ये गॉल्जी बॉडी है. ठीक है, आप बता पाओगे क्योंकि इनके पास एक अलग सा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. ठीक है, तो और ये क्या होते हैं, ये जो सेल ऑर्गेनेल ओरिजिन कैसे होते हैं, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, है ना. सपोज एक आपके पास सेल है, ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. ठीक है, इसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है, याद है ना, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यस मैम, अटैच रहता है, अटैच रहता है ना. देन इससे क्या अटैच रहता है, इसी से क्या बनता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फर्दर, राइबोसोम, गॉल्जी बॉडी बनती है. सॉरी मैम, गॉल्जी बॉडी. ठीक है, गॉल्जी बॉडीज बन जाती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वेसिकल्स बन जाते हैं. ठीक है, जिन्हें वैक्यूल्स बोल रहे, छोटे छोटे वेसिकल्स बनते हैं, है ना. फिर फर्दर क्या होता है, लाइसोसोम बनते हैं. तो जो भी नया ऑर्गेनेल बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो ओरिजिन तो यहीं से हो रहा है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही हो रहा है. तो इसलिए हम इन सभी ऑर्गेनेल को क्या कह रहे हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल. ठीक है, बट राइबोसोम्स कैसा है, राइबोसोम्स के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, राइबोसोम्स इनके ऊपर प्रेजेंट है. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं यूकेरियोटिक सेल में, या फिर फ्री भी हो सकते हैं राइबोसोम्स, है ना. तो
कैसे होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्लियर है ये? फिर से रिपीट कर सकते हैं? ओके, देखो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या है, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं हमारे यूकेरियोटिक सेल में, वो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, वहां से ही इनका ओरिजिन हुआ है, एंड इनके पास खुद के पास भी कोई डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, कोई सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सारे ही ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है उनके पास, ठीक, बट राइबोसोम्स ऐसे हैं जिनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है, तो इसलिए राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, बट कोई भी और जो सेल ऑर्गेनेल है वो प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है ना, हमें प्रोकैरियोट्स के अंदर कौन से ऑर्गेनेल दिखते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स दिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन अब कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया इज सो इम्पोर्टेंट है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, एटीपी फॉर्मेशन होता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीडेशन होता है ना, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होने की वजह से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो वो सारे काम इन्हें भी तो चाहिए ना, बैक्टीरिया को भी तो एटीपी चाहिए, कौन करेगा फिर ये सारे काम, बैक्टीरिया के अंदर भी सेलुलर रेस्पिरेशन होना चाहिए, ठीक है, ताकि बैक्टीरिया के अंदर भी एनर्जी प्रोड्यूस हो, है ना, क्योंकि बैक्टीरिया भी न्यूट्रिशन करते हैं, बैक्टीरिया का आगे जब हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि बैक्टीरिया भी जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं, तो उनके अंदर भी तो वो सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है, तो सारे काम ये लाइसोसोम्स करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, तो इन्हें हम बैक्टीरिया का माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है, इन प्लेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया हैज लाइसोसोम्स, इनके पास क्या होते हैं, बहुत सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, क्लियर है ये, ओके, देन और क्या होते हैं, इनके पास छोटे छोटे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, ये एक डीएनए तो है ही यहाँ पे न्यूक्लियोइड वाला रीजन, इसके अलावा यहाँ पे और भी छोटे छोटे डीएनए होते हैं, ठीक है, इन्हें हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहते हैं या फिर प्लाज्मिड भी कह सकते हैं, इनका काम क्या है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है प्लाज्मिड का, ठीक है, इन्हें सी डीएनए भी बोला जाता है, सर्कुलर डीएनए, क्योंकि ये सर्कुलर होते हैं, काफी छोटे होते हैं, अभी बताऊंगी एक एक करके सबके बारे में, ठीक है, और फिर इनमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूजन बॉडीज क्या होते हैं, क्या है इंक्लूजन बॉडी, ठीक है, इंक्लूजन बॉडी किस चीज के लिए होता है, फॉर स्टोरेज, जैसे कि अगर बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करेगा, खाना बनाएगा, ठीक है, बैक्टीरिया का जो फूड होता है मेनली ग्लाइकोजन होगा, है ना, और भी दूसरे दूसरे फॉस्फेट हो जाएंगे, सल्फर हो जाएगा, ठीक है, तो ये सारी चीजें कहाँ जाकर स्टोर होंगी, कुछ लोकेशन तो होना चाहिए ना कहीं पे स्टोरेज के लिए, तो ये इनके पास इंक्लूजन बॉडीज ही होते हैं, जो क्या होते हैं, फ्री मूविंग होते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं उनके सेल के अंदर, ठीक है, इंक्लूजन बॉडीज हो गई, एंड इनके ऊपर एक फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो भी फ्लैजेला है, फ्लैजेला जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करेंगी, है ना, सारी चीजें हो गई, यस मैम, अच्छा, अगर ये बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे है सपोज, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे भी एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया ही है ना, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं उसे, तो उनके अंदर एक अलग स्ट्रक्चर होता है, जैसे प्लांट्स ब्लू ग्रीन एल्गे हम जानते हैं कि उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं,
वो सिर्फ एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कैसे लेते हैं न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उनके अंदर, और वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है, ठीक है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, है ना। ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना कि सिर्फ ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर, क्रोमैटोफोर, ठीक है। किसमें होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी में, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी कैसे होते हैं? सिर्फ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है। एक एक करके हम नोट डाउन कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स किस चीज से बना होता है? जो केमिकल प्रोटेक्टिव लेयर, हाँ, जो केमिकल सब्सटेंस से बना होता है उसका नाम है म्यूको पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड क्या होता है दीक्षा? पॉलीसेक्राइड लाइक चेन ऑफ शुगर, शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो मैंने बताया कैप्सूल और एक होता है स्लाइम लेयर, ठीक है। स्लाइम लेयर भी होता है। स्लाइम लेयर किसमें होगा? जो बहुत ही वाटरी एरिया में रहते हैं, ठीक है। कैसा होगा? स्लिमी होगा, ठीक। नहीं, स्लाइम लेयर बैक्टीरिया ऐसे होंगे ना जो डेजिकेशन से प्रिवेंट करेंगे, मतलब कि अगर वो उनकी सरफेस से वो वाटर को लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। डेजिकेशन से प्रिवेंट करेंगे मतलब वो वाटर लॉस नहीं होने देंगे। अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर है तो क्या होगा, वो ऐसे कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेगा जहाँ पे वाटर कम है, ठीक है, क्योंकि स्लाइम लेयर के प्रेजेंस की वजह से वाटर को लॉस नहीं होने देंगे वो। और कैप्सूल क्या होगा? कैप्सूल जो होती है वो बैक्टीरिया को पैथोजेनिसिटी प्रोवाइड करती है। पैथोजेनिसिटी का मतलब क्या होता है? प्रोवाइड पैथोजेनिसिटी टू बैक्टीरिया, मतलब डिजीज कॉजिंग एबिलिटी। पैथोजेनिसिटी का मतलब होता है डिजीज कॉजिंग एबिलिटी, ठीक है, कि वो बैक्टीरिया कितने पावर के साथ कोई डिजीज को कॉज कर सकता है ना। और ये कैसे होंगे कि कैप्सूल अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर है तो वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव कर लेगा, ठीक है, बहुत ही हार्श से हार्श कंडीशन में वो सर्वाइव कर लेंगे, और उस कंडीशन में सर्वाइव करके भी वो अपनी पैथोजेनिसिटी को बरकरार रखते हैं, ठीक है, मतलब वो फिर भी डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? कैप्सूल की वजह से, ठीक है। इनका जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल बैक्टीरिया का किस चीज से बना होता है? पॉलीसेक्राइड प्लस एमिनो एसिड्स। इसे हम क्या बोलते हैं? पेप्टिडोग्लाइकन। इसमें जो पेप्टिडो वाला पार्ट है ये क्या है? ये अमीनो एसिड्स है, ठीक है। ओके, सारे स्टूडेंट्स है ना, गौरी पाठक आप न्यू हो ना, आपने कल मुझसे टाइमिंग पूछा था क्लास का। Yes, ma'am. Okay, then आप भी पार्टिसिपेट करो क्लास में, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था जो नोट्स मैंने भेजे थे? Yes, ma'am. Okay, तो समझ में आया ना आपको, और फर्स्ट यूनिट भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। okay. अभी क्लास में आपको सब क्लियर है ना? हाँ. जहाँ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछो, ठीक है, या फिर आप भी आंसर करो क्लास में, ठीक है। यस मैम। ओके, तो क्या बता रही थी मैं? सेल वॉल कैसा होता है? ये पेप्टाइडोग्लाइकन का बना होता है ना, जो पेप्टाइड वाला पार्ट है इसे हम अमीनो एसिड कहते हैं, ठीक है। एंड जो ग्लाइकन होता है ये क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ग्लाइकन वर्ड किस चीज के लिए? कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। कौन कौन से पेप्टाइडोग्लाइकन्स होते हैं? दो मेन होते हैं जिसका नाम आपको याद रखना है, नैग एंड नैम, ठीक है, नैग और नैम। ये क्या है ना,
ये ग्लूकोज आपने देखा होगा, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर में ही थोड़े बहुत चेंजेस कर देते हैं हम लोग स्ट्रक्चर में. सपोज यहाँ पे कोई यूनिट है तो हम यहाँ उसकी जगह कोई दूसरी यूनिट आ गई. मुझे एग्जैक्टली उसका स्ट्रक्चर तो याद नहीं है नैग एंड डैम का, बट जो आप ऐसा ये सोच लो कि ये भी क्या है, ग्लूकोज के यूनिट है, ठीक है, बट इनके किसी कार्बन पे किसी दूसरे ग्रुप के अटैचमेंट की वजह से इनका नाम चेंज हो गया, ठीक है. इनका नाम क्या है, एनएसिटाइल, एनएसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, ठीक है. तो आप देख सकते हो कि एक ग्लूकोज अमाइन, आप देख रहे हो यहाँ पे एक अमाइन ग्रुप आ रहा है, यहाँ कहीं पे एक अमाइन ग्रुप ऐड होगा, ठीक है, किसी कार्बन पे, उसकी वजह से इसका नाम क्या हो रहा है, एनएसिटाइल ग्लूकोज अमाइन. नाम का क्या हो जाएगा, एनएसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ठीक है. तो आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है, नैग एंड नैम का. ठीक है, ये ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, नैग और नैम जो होते हैं ऑल्टरनेट स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. सपोज एक इस तरीके से पहले यहाँ पे नैग है, देन नैम, नैम आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो इनका स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल का, आप देखोगे कि ये ऑल्टरनेट इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ना. फिर यहाँ पे भी आएंगे, फर्दर इस तरीके से आएंगे, काफी सारे लेयर्स हो जाएंगे, ठीक है. इनके बीच में क्रॉस लिंकिंग भी होती है, जो अमाइनोसिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉस लिंकिंग भी होती है, ठीक है. तो इस तरीके से सेल वॉल का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. देन थर्ड इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, दीक्षा आपने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ, आपने लास्ट क्लास में मुझसे पूछा था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कैसा होता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसने दिया था, जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था, याद है आपको, नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. नो मैम, दिस इज सो बेसिक, आपको याद रहना चाहिए ना. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, सबसे एक्सेप्टेबल मॉडल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है. इसे सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, साइंटिस्ट का नाम भी आपको याद रहना चाहिए, सिंगर एंड निकोलसन, ठीक है. तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या बताते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, ये दो लेयर्स के होते हैं इस तरीके से. यस मैम, आई गॉट इट. हां यस मैम, हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक. हां, ये जो हेड होता है वो कैसा होता है, हेड रीजन कैसा होगा, हाइड्रो हाइड्रोफिलिक फिलिक होगा, है ना. यस मैम, हाइड्रोफिलिक होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट होता है वो पूरे वाटर के प्रेजेंस में रहेगा, एंड जो ये वाले पार्ट होते हैं बीच वाले, ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, ये फोबिक होता है, टेल टेल वाला जो पार्ट होता है, इसे हम हेड रीजन बोलते हैं एंड इसे हम टेल रीजन बोलते हैं, ठीक है. ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये लिपिड का स्ट्रक्चर, ठीक है, देख रहे हो कि दो लेयर है इससे, इसलिए हम इसे लिपिड बाई लेयर बोलते हैं, है ना. फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, लिपिड बाई लेयर, एंड देन इनके बीच में क्या होते हैं, ये सारे प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है. प्रोटीन्स क्या करेंगे इनके बीच में, प्रोटीन्स का क्या काम है लेयर बनाते मैम, इसमें होता है कि एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है मैम. हाँ हाँ, कैसे होता है मैम, लाइक वाटर जो इट ओनली अलाउ सेलेक्टिव थिंग्स टू गो, सेलेक्टिव परमियबिलिटी होती है ना. यस मैम, प्रोटीन्स बीच में लेयर बनाते हैं और लार्ज पार्टिकल्स और आयन जैसे मॉलिक्यूल्स अलाउ नहीं होते हैं जाने को. सेलेक्टिव परमियबिलिटी का मतलब ही यही होता है, ये सिर्फ लिविंग बॉडीज में होगा, ठीक है. आपने दो टर्म्स सुने होंगे, सेमी परमेबल एंड सेलेक्टिव परमेबल, है ना. सेमी परमेबल में भी क्या होता है, हमें मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है, जैसे हमने ऑस्मोसिस में पढ़ा होगा कि उसमें भी एक मेम्ब्रेन तो चाहिए होता है पास करने के लिए, ठीक है. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उसके थ्रू ही सॉल्यूट या सॉल्वेंट या जो भी है वो पास होता है, ठीक है.
बट वो सेमी परमेबल होता है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स का अलाउ करेगा एंड नहीं करेगा, ऐसा नहीं है. उससे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों ही पास हो सकते हैं, ठीक है. वो चीज ऑस्मोसिस में हमने देखी. यहाँ सेलेक्टिव परमेबिलिटी में क्या होता है कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक तो सेलेक्टिव परमेबिलिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलेगी, ठीक है. और जो सेमी परमेबिलिटी होगी वो हमें नॉन लिविंग थिंग्स में भी देखने को मिलती है ना. जैसे कि हमारा अगर कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन है जो हम लैब में यूज करते हैं, ठीक है, पार्चमेंट पेपर होता है या फिर कोई दूसरे टाइप का मेम्ब्रेन होता है, तो उन सब से क्या होता है उसमें ऑस्मोसिस के लिए हम यूज करते हैं, तो उसमें सेमी परमेबिलिटी होती है. वो नॉन लिविंग थिंग्स में भी हो सकती है, ठीक है. बट जो सेलेक्टिव परमेबिलिटी होती है वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स में, लिविंग बींग्स में हमें देखने को मिलती है. और वो किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें सेलेक्टिव परमेबिलिटी देखने को मिलेगी. इसमें क्या होगी कि जो भी चीजें पास होनी है, ठीक है, जो भी चीजें हमारे सेल से अंदर या बाहर जाएगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होकर जाएगा, है ना. और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही डिसाइड करेगा कि हमें कौन से पार्टिकल को अंदर भेजना है, कौन से पार्टिकल को बाहर भेजना है, ठीक है. सारे पार्टिकल्स को ये अलाउ नहीं करते हैं, है ना. और या फिर अगर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स हैं भी जिन्हें बहुत जरूरी है भेजना, तो फिर वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाते हैं. जैसे लार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, कुछ आयनिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है. तो वो प्रोटीन्स जो होते हैं इनके पास, उनके थ्रू वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू मूवमेंट होता है, ठीक है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में ही होते हैं, है ना, और दोनों के अंदर ही सिमिलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल बोथ कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. और दोनों में ही कैसे होंगे, सिमिलर होंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज से बना होता है, लिपिड बाई लेयर से, ठीक है. क्या क्या फंक्शन बताया अभी इन दोनों के, पिलाई क्या करेगा मैम, हेल्प्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक यू सेड. सबसे पहले तो ये बहुत ही कम नंबर में होंगे, ठीक है. ट्यूबुलर शिप का होता है, ट्यूबुलर शिप का होगा. और जो पिलाई होते हैं वो कुछ स्पेशल प्रोटीन से बने हुए होते हैं, ठीक है. मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन. और क्या करेंगे ये, हेल्प्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है. फिम्ब्राई कैसे होंगे, काफी ज्यादा होते हैं, पूरे सरफेस पे होते हैं ना. शेप होता है ब्रिशल शेप, ठीक है. ये किसमें हेल्प करते हैं, अटैचमेंट ऑन सबस्ट्रेटम, ठीक है. देन फ्लैजेला, फ्लैजेला जो होता है मूवमेंट में हेल्प करता है. फ्लैजेला का जो स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें तीन लेयर्स होती हैं, इस तरीके से आपको फ्लैजेला का स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है. इसमें ये वाला जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं बेसल बॉडी, इसे बोलते हैं हुक, इसे बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है. अच्छा एक टर्म होता है जो आपको पता होना चाहिए फ्लैजेला से रिलेटेड, एक होता है ट्राइकस. ट्राइकस का मतलब क्या होता है कि अगर किसी सेल पे फ्लैजेला प्रेजेंट है, ठीक है, फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं ट्राइकस. और ए ट्राइकस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए ट्राइकस, फ्लैजेला नॉट प्रेजेंट ऑन एनी सरफेस, ऑन द सरफेस. हाँ, ए का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था बायो में ए का मतलब हमेशा होता है नॉट, है ना. तो फ्लैजेला एब्सेंट इसका मतलब,
ठीक है, इसमें हमें फ्लैजल एब्सेंट देखने को मिलेंगे कोकस कोकस में, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे में भी नहीं होता है साइनोबैक्टीरिया, है ना। माइकोप्लाज्मा में होगा क्या? नहीं होगा। नो मैम। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल ही नहीं होता है ना। तो ये तीन आप याद रखना, कोकस, ब्लू ग्रीन एल्गे, माइकोप्लाज्मा, इनमें नहीं होता फ्लैजेला, ठीक है। नौ मीजोसोम्स, मीजोसोम्स क्या करते हैं? हेल्प्स इन रेस्पिरेशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। हाँ, पहली चीज तो है कि ये इनफोल्डिंग हो जाती है जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो उसे ही हम मीजोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं, उन्हें मीजोसोम्स बोलते हैं, है ना। इनका रोल क्या होता है, इनके पास तो दे कंटेन वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, ठीक है, कंटेन वेरियस रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और ये सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि जब जो हमारा यूकेरियोट्स होता है, ठीक है, उसमें जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, वो क्या काम करता है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, वो भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करता है। सारी चीजें उसी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बनती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, मेसोसोम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया का सेल वॉल बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर जो बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियोइड रीजन होता है, उसका जो जेनेटिक पार्ट होता है, उसको रेप्लिकेट करने में हेल्प करते हैं, है ना, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। ये जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर ये मीसोसोम है, ठीक है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या होगा, इससे अटैच रहेगा, ठीक। फिर यहाँ से मीसोसोम के अटैचमेंट से ही वो हेल्प करेगा कि वो उसकी कॉपी बना सके, है ना, इसका रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। अभी देखो आपने माइटोसिस पढ़ी होगी, ठीक है, माइटोसिस में भी क्या होता है कि पहले जो हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी डबलिंग होती है, रेप्लिकेशन फेज आता है ना। वहां पे अपने माइटोसिस के अंदर क्या देखा होगा, चार फेज होते हैं, जी वन, एस, जी टू और एम फेज होता है, यही होता है ना इंटरफेज के अंदर, माइटोसिस याद है? यस मैम, बट फेजेस नहीं पढ़े थे। फेजेस नहीं पढ़े थे, नाइन्थ क्लास में नहीं पढ़ा आपने? नो मैम। उसमें जो हम चार एम फेज जो होता है ना, उसके अंदर जो हम चार फेजेस पढ़ते ही हैं कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये तो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। उस एम फेज के पहले भी जो ये वाले स्टेज होते हैं ना, इन्हें हम इंटरफेज बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। इंटरफेज में क्या होता है कि जो सेल होता है ना हमारा, वो ग्रोथ करता है, ठीक है, सेल ग्रोथ होती है, इसमें न्यूट्रिशन लेगा, ग्रोथ करेगा। एस वाला जो फेज दिख रहा है आपको, ये वाला, यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मतलब डीएनए डबल होगा, ठीक है। तो ये पूरे इंटरफेज, ये जो तीन आपको दिख रहे हैं, जीवन है, जीवन, यहाँ पे क्या होता है, वो सेल्फ ग्रो करते हैं, ठीक है। देन जब वो फाइनली ग्रोथ हो जाती है, तब वो डिसाइड करते हैं कि अब क्या करें, अब हमें डिवीजन करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो जब सेल्स को डिवीजन करना होगा तो वो एम फेज में चले जाते हैं, और अगर नहीं करना होगा तो जी नॉट फेज एक आता है, उसमें चले जाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे मीसोसोम के पास क्या हो रहा है, यहाँ पे रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, है ना। रेप्लिकेशन करने में ये मीसोसोम्स इनको हेल्प करते हैं। फिर क्या होगा, जब रेप्लिकेशन हो जाएगा तो इस तरीके से एक और मीसोसोम के साथ ये वाला डीएनए अटैच हो जाएगा, ठीक है। देन सेल हमारा इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, है ना, फिर वो नए सेल्स बना लेंगे। तो इनका रेप्लिकेशन इस तरीके से होता है, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। एक और चीज क्या होती है,
यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा ना, नए सेल्स के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन जाएंगे, ठीक है। इसके चार फंक्शन है, इसे आप ध्यान में रखना। बैक्टीरिया के अंदर कोई भी सेल सेल ऑर्गेनेल तो होता नहीं है, है ना, तो इसमें जो भी फंक्शन करना है सेल डिवीजन भी, ठीक है, वो भी कौन करेगा, ये लाइसोसोम ही करेंगे। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड मैंने क्या बताया था कि हमारे बैक्टीरिया के अंदर जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए पड़े हुए हैं छोटे छोटे, वो प्लाज्मिड है ना। प्लाज्मिड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, आप जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे 12th क्लास में, तो आप पढ़ोगे कि जीन क्लोनिंग, ठीक है, कि हम जीन क्लोनिंग कैसे करते हैं। आपने सुना होगा कि हम एक ऑर्गेनिज्म के जीन को निकालकर फिर दूसरा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं उसकी तरह, उसी की तरह सेम, है ना। तो कैसे बनाते हैं कि जो बैक्टीरिया के अंदर एक बहुत ही अलग खासियत होती है, इनके पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ये होता है ना प्लाज्मिड, ये इनका रेप्लिकेशन बहुत जल्दी होता है, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, मतलब इन्हें किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती, इन्हें मीसोसोम की भी जरूरत नहीं है, ये इन्हें किसी भी दूसरे की हेल्प की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, बहुत ही फास्ट मल्टीप्लाई करते हैं, बहुत ही फास्ट रेप्लिकेट करते हैं। तो इनके अंदर अगर आप किसी नए जीन को इंसर्ट कर दोगे तो क्या होगा, वो नया जीन बहुत ही तेजी से बन जाएगा ना, बहुत ही जल्दी फास्ट रेप्लिकेट करके वो नया जीन बन जाएगा, ठीक है। फिर उसे उस नए जीन को आप यूज कर सकते हो। प्लाज्मिड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सारे पॉइंट्स बहुत ध्यान में रखना, ठीक है। पहली बात तो है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, एक न्यूक्लियोइड तो ऑलरेडी हमारे बैक्टीरिया के पास है ना, जो मेन डीएनए है उनका, मेन जीनोम है, बट उसके अलावा भी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है ये, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद से रेप्लिकेट कर सकता है विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। और कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होगा, और कैसा होगा, सर्क्यूलर होगा, ठीक है। दीज आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सेल्फ रेप्लिकेटिंग डबल स्टैंडर्ड एंड सर्क्यूलर, दिस इज ऑफ डीएनए, ठीक है। इनके बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है बायोटेक्नोलॉजी में, है ना, तो जब हम वो आगे फर्दर वो चैप्टर्स पढ़ेंगे तो आप वहां पे देख पाओगे कि ये क्या क्या काम करते हैं प्लाज्मिड, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्लाज्मिड। फिर आते हैं राइबोसोम्स, राइबोसोम्स कैसे होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, 70s होते हैं, इनकी क्या क्या सब यूनिट होती है मैम, 50s प्लस 30s, हाँ, इसका फुल फॉर्म क्या होता है इसका, मैम नहीं आता है, ये पूछा गया था आपसे नीट में, ठीक है। इस तरीके से सब यूनिट होती है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट होता है ना, सेडिमेंटेशन मतलब ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है, जब आप उसको सेंट्रीफ्यूज करोगे, सेंट्रीफ्यूज सुना है आपने क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज का मतलब पता है आपको, यस मैम, यस मैम, लाइक कुछ एक मशीन होता है जिसमें हैवियर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं और लिक्विड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, नहीं ऐसा कुछ,
देखो सेडिमेंटेशन सेंट्रीफ्यूगेशन में होता है यही है कि हम किसी भी लिक्विड सब्सटेंस को किसी भी सब्सटेंस को ठीक है बहुत हाई स्पीड पे उसको रोटेट किया जाता है. जब हाई स्पीड पे आप किसी भी चीज को घुमाओगे तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन के अकॉर्डिंग मतलब वेट के अकॉर्डिंग वो सेटल होती जाएंगी, है ना, सेटल होती जाएंगी. जैसे कि आपने इस ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में आपने कोई लिक्विड भरा, अभी उसको आपने क्या किया, सेंट्रीफ्यूज एक होता है मशीन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूज में यहाँ आपने टेस्ट ट्यूब को रखकर रोटेट किया. जब बहुत तेजी से इसका रोटेशन होगा तो क्या होगा कि जो अलग अलग लेयर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, सबसे हैवी पार्टिकल सबसे नीचे आ जाएगा, है ना, इस लिक्विड में जो भी हैवी पार्टिकल होगा वो नीचे आ जाएगा, देन उससे कम वाले उसके ऊपर अरेंज होते जाएंगे, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू वेट ये सेपरेट आउट हो जाएंगे, है ना, उसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज करना और सेडिमेंटेशन, इसी चीज को बोलते हैं. जैसे कि आपने ये 50S देखा तो इसमें दो सबयूनिट है 50S एंड 30S, ठीक है, तो 50S मतलब उसका वेट ज्यादा है एंड 30S वाले का वेट कम है, है ना, क्लियर है? यस मैम. ठीक है, तो राइबोसोम्स हमारे कैसे ऑर्गेनेल होते हैं, बताया था अभी, ऑर्गेनेल विदाउट मेम्ब्रेन, है ना, and ma'am without it, yes ma'am. हाँ, क्या बोल रहे हो, क्या क्या फंक्शन होता है राइबोसोम का, हेल्पसिन मेन फंक्शन बताओ, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, यस मैम. अच्छा एक और चीज बताना था कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे उनके अंदर क्या होता है, आपको एक पॉलीजोम देखने को मिलेगा. पॉलीजोम क्या होते हैं, इस तरीके से राइबोसोम्स के अलावा पॉलीजोम्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीजोम्स या फिर पॉली राइबोसोम्स भी बोल सकते हैं. मतलब क्या होता है, ये जो आप मैंने बनाया ना ये mRNA है, ठीक है, mRNA के ऊपर काफी सारे राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, ठीक है. जैसे कि आप यूकेरियोट्स में क्या होता है हमारे यूकेरियोट्स के अंदर कि अगर एक mRNA है तो उसके पास सिर्फ एक ही राइबोसोम होगा, ठीक है, बट प्रोकैरियोट्स के अंदर एक खासियत होती है कि इनके पास एक mRNA के पास बहुत सारे मल्टीपल राइबोसोम्स अटैच हो सकते हैं, ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को हम पॉलीजोम्स बोलते हैं. और ये सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही आपको देखने को मिलेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर यूकेरियोट्स में नहीं होता है, क्लियर है? यस मैम. मैम 50S और 30S इसमें सेंट्रीफ्यूज का क्या काम आया, तो मुझे ये समझ नहीं आया. देखो मैंने आपको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट जो बताया एस का फुल फॉर्म होता है ना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, उस चीज को समझाने के लिए मैंने बताया आपको कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता क्या है. तो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट वही कि आप वेट के अकॉर्डिंग उस चीज को सेपरेट कर रहे हो, ठीक है. तो जैसे कि इसमें 70S है कहने का मतलब तो उसका वो उतना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है 70S, ठीक है, 80S जैसे होता है तो 80S का मतलब हो गया 80 सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, है ना, मतलब वो ज्यादा हैवी है 80S, ठीक है, 70S के कंपैरिजन में. तो सेंट्रीफ्यूज आपको बताने का सिर्फ यही सेंस था, यहाँ पे कोई सेंस नहीं था, बट सिर्फ मैंने इससे समझाया कि आपको सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट का मतलब पता चले कि हम सेंट्रीफ्यूज में उस चीज को कैसे सेपरेट आउट करते हैं, ठीक है. Yes, ma'am, I get it. Okay, न्यूक्लियोइड क्या होता है? न्यूक्लियोइड इज अ रीजन इन विच डीएनए इज प्रेजेंट विदाउट एनी मेम्ब्रेन, है ना, विदाउट एनी मेम्ब्रेन, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा यहाँ पे. और कैसा होगा, ये सर्कुलर होता है, ठीक है. अच्छा इनके अंदर हिस्टोन प्रोटीन होती है क्या, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है,
यूकेरियोट्स का जो आपने डीएनए देखा होगा, ये सारी क्लास 9 की चीजें है ना। अभी अभी जस्ट मैंने पिछले मंथ ही इस चैप्टर को पूरा खत्म किया है, ठीक है। ये सारी आपकी बेसिक्स क्लास 9 के अंदर है। अगर आप भूल गए हो तो आप उस चीज को पढ़ सकते हो, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के ऊपर ये हिस्टोन प्रोटीन्स है। क्या होता है, इसी के अराउंड, सपोज ये प्रोटीन है आपका, इसके अराउंड ये डीएनए बाइंड करके रखता है अपने आप को, ठीक है। ये डीएनए पूरा बाइंड करके रखता है। यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए का लेंथ कितना है आपको पता भी नहीं होगा, है ना। लेंथ तो इतने लंबे डीएनए हमारी बॉडी के अंदर कैसे रहेंगे। अगर वो एक तो वो लीनियर होते हैं, ठीक है, सर्कुलर भी नहीं होते, लीनियर होते हैं, खुले रहते हैं उनके एंड्स, है ना। तो वो अगर इसी तरीके से पड़े रहेंगे तो वो तो आपस में उलझ जाएंगे, ठीक है, फिर वो फंक्शन कैसे करेंगे। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, अपने आप को इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, प्रॉपरली। जैसे आपने देखा होगा ऊन, देखा है ना आपने, मम्मियां जब स्वेटर बुनती हैं तो कैसे वो पहले गोला बना लेती हैं उनका, है ना, ताकि वो आपस में उलझे ना। उसी तरीके से सेम हिस्टोन प्रोटीन का भी काम है। एक प्रोटीन होता है, बॉल होता है, ठीक है, उसके ऊपर सारे डीएनए अपने आप को इस तरीके से अरेंज करके रख लेती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है, ठीक है। प्रोकेरियोट्स में क्या होगा, ये एब्सेंट होगा। और इनमें कैसे होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है और डबल स्ट्रैंडेड होता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, जिनमें बैक्टीरिया अपना फूड स्टोर करके रखते हैं, है ना। ये कैसी होती है, इनसॉल्युबल होती है, ठीक है, क्योंकि ये कोई अलग से मेम्ब्रेन के अंदर तो प्रेजेंट नहीं है, तो फ्री मूविंग होती है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूव कर रही है, तो ये इनसॉल्युबल होती है, तभी तो वो घुलेंगी नहीं, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है ना, विदाउट मेम्ब्रेन, इनके पास भी कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, ठीक है। क्या क्या स्टोर करके रख सकती है, ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन स्टोर करेंगे हम उनको उन इंक्लूजन बॉडीज को बोल देंगे ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, ठीक है। क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। उसी तरीके से स्टार्च स्टोर करके रख सकते हैं, फॉस्फेट, सल्फर, है ना। तो स्टोरेज के बेसिस पे नाम हो जाएगा, लाइक स्टार्च ग्रैन्यूल बोल लोगे, फॉस्फेट ग्रैन्यूल हो जाएगा, सल्फर ग्रैन्यूल हो जाएगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसे हम बोलते हैं साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ठीक है। साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल में मेनली प्रोटीन का स्टोरेज होता है। और ये कहाँ देखने को मिलेंगी आपको साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर, ठीक है। साइनोफाइसिन स्टार्च सुना होगा आपने, वो क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना। यस मैम, अच्छा एक और चीज, हाँ एक लास्ट चीज आपको बतानी है, एक गैस वैक्यूल भी होता है, इंक्लूजन बॉडीज की तरह ही गैस वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, मेनली इनका काम होता है दो चीजें। पहली चीज तो होती है कि इट प्रोवाइड्स बॉयंसी, प्रोवाइड्स बॉयंसी क्या होती है आपको पता है ना। Yes, क्या होती है मैम, लाइक उसमें जो होता है कि पानी में कैसे डूब ना सके, तो ऐसे कुछ होता है, पानी में तैरते रहे, है ना। Yes, ये किन बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी, गैस बैक्टीरिया जो बहुत डीप ओशंस में रहते हैं या बहुत पानी के अंदर रहते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, वो फ्लोट कर सके, है ना, वो बैक्टीरिया फ्लोट कर सके, उनको हेल्प कर सके, इसलिए वो गैस वैक्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं।
और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर होगा ताकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर सके. हेल्प्स फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इन गेटिंग ऑप्टिमल लाइट एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो ये जो वैक्यूल्स है इन्हें हम स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं. ठीक है, क्योंकि जो वैक्यूल्स प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा, प्लांट्स के अंदर वैक्यूल्स का क्या काम होता है, प्लांट्स के अंदर बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, बहुत इतने बड़े बड़े सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट्स के अंदर जो बहुत ही बड़े होते हैं. ठीक है, मेन काम क्या होता है, ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं एंड जो भी प्लांट का फूड होता है उनको भी स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, वेस्ट मटेरियल होता है उनको भी स्टोर करके रखते हैं. तो उस तरीके से यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, गैस वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जो भी मेटाबॉलिक गैसेस होते हैं ना उनको स्टोर करके रखते हैं बैक्टीरिया के अंदर. ठीक है, और फंक्शन क्या होता है कि ये बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं, फ्लोटिंग करने में हेल्प करेंगे, है ना. इनकी इनकी जो मेम्ब्रेन होगी वो प्रोटीन की बनी होती है. ठीक है, लिपिड से नहीं बनी होती इनकी, इनकी मेम्ब्रेन होती है. ये ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, गैस वैक्यूल्स, जिनकी मेम्ब्रेन होते हैं वो भी प्रोटीन के बने होते हैं. ठीक है, अच्छा मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस भी नोट डाउन किए थे इन के बेसिस पे. हाँ मैम, गैस वैक्यूल्स मैम कुछ बता रही थी ना लास्ट में, वो बता दीजिए ना फिर से. क्या बता रही थी मैं? मैम वही मैं सुन नहीं पाई. हाँ मतलब मैं ये कही कि इनके तो मेनली दो फंक्शंस है. ठीक है, पहला है कि बायोएंसी देते हैं बैक्टीरिया को, और दूसरी चीज है कि जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं उनको हेल्प करते हैं लाइट एंड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में. ठीक है, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए. और क्या होता है, ये मेटाबॉलिक गैसेस को स्टोर करके रखते हैं, है ना. बैक्टीरिया के अंदर कुछ गैसेस प्रोड्यूस होते होंगे तो उनको वो स्टोर करके रखते हैं. ठीक है, हाँ ये बता रही थी कि इनका जो मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड से नहीं बना होता, वो प्रोटीन से बना होता है. ओके मैम. अच्छा देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मैच द फॉलोइंग है आपके पास. ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं नीट में. ठीक है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. तरीके से दिया जाएगा आपके पास, ऑप्शंस दे दिया जाएगा, गैस वैक्यूल्स क्या, ग्रीन बैक्टीरियल सेल. इसमें से गलत आंसर कौन सा है? गलत आंसर कौन सा है? सेकंड है ना. लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स किस में होता है? प्लांट्स में होता है. प्लांट्स में होता है. ठीक है, ओके. देन चार ऑप्शन दे रही हूँ आपको, आपको बताने हैं कि इनमें से कौन सा फीचर प्लाज्मिड का नहीं है. ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ट्रांसफरेबल, सिंगल स्ट्रैंडेड, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन. कौन सा है बताओ, कौन सा फीचर प्लाज्मिड का नहीं है इन चारों में से? प्लाज्मिड पढ़ाया ना मैंने अभी आपको. यस मैम. सिंगल स्ट्रैंडेड. सिंगल स्ट्रैंडेड है ना. मैम सिंगल स्ट्रैंडेड. डबल स्टैंडर्ड होता है ना प्लाज्मिड तो. ठीक है, ट्रांसफरेबल तो है क्योंकि क्या करता है, अगर आप इसमें कोई नया जीन हम इसमें क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं ना, इंसर्ट कर सकते हैं, तो ट्रांसफरेबल तो हो जाएगा. ठीक है, ये डबल स्टैंडर्ड होते हैं. ओके, आपको ये चार ऑप्शंस में से बताने हैं कि इनमें से कौन सा मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है.
अब जानेंगे तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना है ना। ओके मैं आपको चार ऑप्शंस दे रही हूँ फिर से आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा इंक्लूजन बॉडी नहीं है प्रोकैरियोट्स के अंदर। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में हमने सुना पॉलीजोम है ना, अभी हमने देखा फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, साइनोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, लाइसोजाइम ग्रैन्यूल्स, ये सारे इंक्लूजन बॉडीज होते हैं ठीक है, पॉलीजोम्स नहीं होता है ठीक है। ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। मेसोजाइम्स ठीक है। व्हाट इज द फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी होंगे प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ब्लू ग्रीन एल्गी ठीक है। और ब्लू ग्रीन एल्गी में वो स्ट्रक्चर क्या होता है हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, क्या नाम है उस स्ट्रक्चर का, देखो मैंने डायग्राम क्रोमेटोफोर है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे ठीक है। जितने भी पॉइंट्स आपको नोट डाउन कराए हैं सारे ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, सारे पॉइंट्स से क्वेश्चन बनते हैं ठीक है। चलो आप ये अच्छे से आप लोग इसको नोट्स प्रिपेयर करना, इसे पढ़ना, ये ना बाकी जो आगे का पार्ट है हम लोग इसके लाइफ प्रोसेस के बारे में न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे है ना। चलो थैंक यू। Thank you, ma'am.